हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार गर्ग रेगुलर अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन, इसमें कल आपको अम्ल, क्षार और लवणों के उपयोग बताए थे। अम्ल, क्षार और लवण ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि किसी भी बिलियन में अम्लता अथवा क्षारकता का मापन किस प्रकार किया जाए। तो इसके लिए आज हम अध्ययन करेंगे किसका, पीएच मापक्रम। पीएच मापक्रम क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह किसी राशि को मापने के लिए एक पैमाने की आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई सी भी राशि हो, ठीक है, प्रत्येक राशि के मापन के लिए कोई ना कोई से पैमाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे लंबाई का मापन करना है तो उसके लिए एक पैमाने की आवश्यकता है, इसको किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान का मापन करना है तो उसके लिए किलोग्राम, ग्राम, है ना, पाउंड आदि पैमाने काम में लिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह किसी तरल पदार्थ का मापन करना है तो उसके लिए लीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह प्रत्येक राशि के मापन के लिए किसी न किसी पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के मापन के लिए भी एक पैमाने का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच मापक्रम कहते हैं। पीएच मापक्रम जो है इसका निर्धारण किसने किया? तो पीएच मापक्रम जो है 1909 में एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन। कौन से थे? सोरेनसन। सोरेनसन नाम वैज्ञानिक ने पीएच मापक्रम निर्धारित किया था, पीएच मापक्रम के बारे में बताया था। उन्होंने इसको किस प्रकार परिभाषित किया? इन्होंने बताया कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये इस प्रकार, अगर कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है? पीएच स्केल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पीएच स्केल द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को पीएच कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब पीएच बराबर क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम, यानी माइनस लॉग एच प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जो है, कौन सा आयन है ये? हाइड्रोजन आयन। तो किसी भी बिलियन में जो हाइड्रोजन आयन है ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि क्या होता है, ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो ये क्रियाशील होने के कारण उस बिलियन में उपस्थित जल के अणुओं के साथ क्या कर लेता है? जल के अणुओं के साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है। और क्रिया कर क्या बनाता है?
H3O प्लस कौन सा आयन है, इसको बोलते हैं हाइड्रेनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रेनियम आयन बनाता है, ठीक है। एच प्लस आयन के रूप में नहीं पाया जाता, ये विलयन में हाइड्रेनियम आयन के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसको पीएच का जो फॉर्मूला है इसको और क्या लिख सकते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग एच थ्री ओ प्लस लिख सकते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉ एच थ्री ओ प्लस, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हो गए अपन के पास किसके लिए, पीएच के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आती है कि यहां पीएच जो शब्द है, ये पीएच, ये दो शब्द हैं इसमें, एक तो पी और एक एच, ये किसको प्रदर्शित करते हैं, तो पी जो शब्द है यहां पर वो जर्मन भाषा के पोटेंट शब्द से लिया गया है, इससे लिया गया है पोटेंट शब्द से, ठीक है। पोटेंट का अर्थ क्या होता है, शक्ति, पोटेंट का अर्थ क्या होता है, शक्ति। इसको हिंदी में आपको पुसांस लिखा हुआ मिल जाएगा किताबों में, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, पोटेंट का शक्ति, ठीक है। और जो एच शब्द है इसका अर्थ क्या है, इसका है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब इसका अर्थ निकाले अपन, इसका मीन क्या होगा, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति को ही हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। दोनों को जोड़ दें तो क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की शक्ति ही क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है, ठीक है। तो इसलिए परिभाषा कह दी गई कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। इसके लिए फॉर्मूला पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस एन, पीएच बराबर माइनस लॉग एस थ्री ओ प्लस, इस रूप में क्यों लिखा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन जो है वो जल के साथ, जल के अणुओं के साथ जुड़कर क्या बनाता है, हाइड्रेनियम आयन बना लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एच थ्री ओ प्लस के रूप में भी हम लिख सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर सोरेनसन ने जो है इसके लिए एक स्केल तैयार किया, पीएच के मापन के लिए क्या तैयार किया, एक स्केल तैयार किया, ठीक है, इस तरह से, इसमें यहां पर देखें अपन, तो ये मान लीजिए आपका जीरो, ये सात और ये चौदह, ठीक है ना। तो यहां पर जीरो से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। सात जो है इस पर जो विलयन है वो कैसा होता है, उदासीन, ठीक है। जीरो ये क्या होता है, अम्लीय, और चौदह पे क्या होता है, क्षारीय, ठीक है। अब यहां पर अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जीरो से 6.9 ये क्या हो गया, अम्लीय, ठीक है। सात पीएच यदि किसी विलयन का कितना है, सात, तो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन, ठीक है। और यदि किसी विलयन का पीएच 7.1 से और कितना है, 14 है, तो वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय, ठीक है। देखिए यहां पर जो जीरो है, जीरो पर अपन देखें ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, यहां पर सर्वाधिक, और जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। इसका मतलब पीएच जीरो यदि किसी विलयन का मान क्या है, विलयन का पीएच क्या है, जीरो है, इसका मतलब वो क्या है, सर्वाधिक अम्लीय, क्या है, सर्वाधिक अम्लीय, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे जीरो से, ठीक है, एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच फिर छह फिर सात,
ठीक है, तो ये तो क्या हो गया सर्वाधिक अम्लीय, यानी पीएच का मान जितना कम होगा, पीएच का मान जितना कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही क्या होगी अधिक होगी। पीएच जितना कम किसी विलयन का, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही ज्यादा है, उतना ही अधिक क्या है वो अम्लीय, ठीक है, उतना ही अधिक क्या होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण लेंगे, मान ली एक विलयन है जिसका पीएच विलयन ए, विलयन ए इसका पीएच कितना है मान लीजिए 1.3, और एक है विलयन बी इसका पीएच है मान लीजिए कितना 4.5। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया बताएं दोनों में से अधिक अम्लीय कौन सा विलयन है, तो इसमें से अधिक अम्लीय कौन सा होगा पीएच विलयन ए जिसका पीएच 1.3 है। जैसे अपन कहीं मान देख के अनुमान लगा लेंगे इसका वो 4.5 ज्यादा है, इसका मतलब ये अधिक अम्लीय हो गया, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। सी विलयन का पीएच जितना कम है वो विलयन उतना ही अधिक क्या है अम्लीय है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही क्या है अधिक है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी वो विलयन उतना ही अधिक क्या होगा अम्लीय होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अपन किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता का मापन कर सकते हैं और उसका पता लगा सकते हैं कि ये अम्लीय है अथवा क्षारीय है। तो ये आपका पीएच मापक्रम। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका वो है दैनिक जीवन में पीएच। देखो, हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच है इसका बहुत अधिक महत्व है, और पीएच का उपयोग करके हम हमारे बहुत सारे कार्यों को आसान बना सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस पीएच स्केल का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है चींटी या नेटल का दर। चींटी या नेटल का दर, देखो चींटी बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं, कुछ कीट हैं जिसमें आपके चींटी है ना, मधुमक्खी हो सकती है, ततैया हो सकता है। ठीक है, ये कीट ऐसे हैं जैसे ये डंक मारते हैं तो जिस स्थान पर ये डंक मारते हैं उस स्थान पर हमें क्या होने लगती है जलन होने लगती है। ठीक है, खुजली चलती है और खुजली के साथ क्या होती है जलन होती है। कारण क्या है जलन का, कि जब ये डंक मारते हैं तो ये उस काटते समय क्या करते हैं इनके डंक में, जैसे चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो उस डंक के साथ ये फॉर्मिक अम्ल को कहां छोड़ते हैं हमारी त्वचा पर, स्किन पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही त्वचा इस फॉर्मिक अम्ल के संपर्क में आती है, ठीक है, त्वचा पर क्या होने लगती है जलन होने लगती है और खुजली होने लगती है। ठीक है, अरे जलन और खुजली के प्रभाव को कम करना है, क्योंकि जलन और खुजली किसके कारण हुई है अम्ल के कारण हुई है, तो इस प्रभाव को कम करना है, तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाए उस स्थान पर काटे गए स्थान पर, जिस स्थान पर चींटी ने मधुमक्खी ने ददैया ने काटा है, तो काटे गए स्थान पर कोई भी क्षारीय पदार्थ क्या लगा सकते हैं अपन, कोई भी
क्षारीय पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, इससे और कुछ नहीं तो घर में जैसे खाने का सोडा होता है, ठीक है, तो खाने का सोडा उस स्थान पर थोड़ा सा पानी में डुबो के आप लगा लीजिए, तो उस स्थान पर आपको तुरंत क्या मिलेगा, आराम मिल जाता है, रिलैक्स मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चींटी और अन्य जो कीट हैं उनके काटे गए स्थान पर हम क्षारीय पदार्थ लगाकर रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। तो ये कब होता है, ये सारा काम कब कर सकते हैं, जब हमको किसका ज्ञान हो, पीएच का ज्ञान होता है, पीएच के बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेटल, नेटल जो है एक जंगली पादप होता है, ठीक है, जंगली पादप है और इसका जो कांटा होता है, नेटल के पादप में कांटा पाया जाता है और वो कांटा जब चुभता है, ठीक है, तो जिस स्थान पर कांटा चुभता है उस स्थान पर भी हमें क्या होती है, जलन होती है, उसका कारण भी सेम यही होता है, तो उससे भी इसी तरीके से निवारण पाया जा सकता है। तो इस तरह से ये आपका पहला उदाहरण हुआ चींटी या नेटल का डंक। इसी तरह अपन दूसरा उदाहरण देखें, और दूसरा उदाहरण है आपका पेट की अम्लता, पेट की अम्लता। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हम ज्यादा मसालेदार भोजन ले लेते हैं, ठीक है, या अधिक मात्रा में भोजन ले लिया, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि पेट में क्या होने लगती है, जलन होने लगती है और व्यक्ति को खट्टी खट्टी डकारें आती है, ठीक है। पेट में जलन क्या होने लगती है, क्योंकि इस भोजन के पाचन के लिए जैसे ये भोजन कहां पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है, भोजन जब अमाशय में पहुंचता है तो भोजन के अमाशय में क्या होता है, भोजन का मंथन होता है, केवल क्या होता है, भोजन का मंथन, ठीक है, और अमाशय में जो है जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस स्रावित किया जाता है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सिनेटिक कोशिकाएं होती हैं, उन ऑक्सिनेटिक कोशिकाओं द्वारा क्या स्रावित किया जाता है, HCl अम्ल स्रावित किया जाता है, ठीक है। अब जब हमने क्या किया है साहब कि अधिक मात्रा में भोजन ले लिया या ज्यादा मसालेदार भोजन ले लिया, तो ऐसी स्थिति में ये कोशिकाएं जो है वो अधिक सक्रिय हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिक सक्रिय हो जाती है, और इनके अधिक सक्रिय होने पर क्या होता है कि ये HCl जो है अधिक मात्रा में स्रावित होता है, HCl क्या होता है, अधिक मात्रा में स्रावित होता है, ठीक है। जब ये अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पेट में जलन होने लगती है, ठीक है। सामान्य मात्रा में अगर ये स्रावित हो रहा है तब तो ये अमाशय की आंतरिक भित्तियों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती, क्यों, क्योंकि अमाशय की जो आंतरिक भित्तियां हैं, ठीक है, उन पर क्या पाई जाती है, उन पर जो अंदर श्लेष्मा है वो श्लेष्मा जो है एक चिकनी परत बना देता है जिसके कारण वो प्रभावित नहीं होती, लेकिन जब ये अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये श्लेष्मा का प्रभाव बढ़ जाता है और अमाशय की आंतरिक भित्ति जो है प्रभावित होने लगती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है पेट में जलन होने लगती है, ठीक है, और हल्का हल्का दर्द भी शुरू हो जाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, इस स्थिति क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। एसिडिटी से निजात पाने के लिए क्या किया जाता है साहब, फिर क्योंकि ये अधिक अम्लता के कारण उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए जो क्षारक पदार्थ हैं या क्षारीय गुण रखने वाले पदार्थ हैं उनका क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, तो उनके सेवन से क्या होगा कि पेट की अम्लता जो है वो समाप्त हो जाएगी और व्यक्ति को
रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। तो इसके लिए बाजार में आजकल बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो है तैयार मात्र तैयार रूप में मिल जाते हैं रेडीमेड, जिसमें आपके इनो है, ठीक है, या अन्य कोई इसी तरह के पदार्थ हैं, उनका सेवन करके जो है इससे निजात पाई जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक पदार्थ और लिया जाता है, वो है MGOH का फॉल्ट वाइस, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इसको बोलते हैं अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो इसका जो है इसमें एसिडिटी इस समस्या में जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये एक क्षारीय पदार्थ है, ठीक है, जो कि आमाशय में पहुंचकर जो अति अम्लता है उसको समाप्त कर देता है और व्यक्ति को रिलैक्स महसूस होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MGOH का ऑल्टोइस इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स देखिए, आज हमने दैनिक जीवन में पीएच, सबसे पहले हमने आज पीएच के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद दैनिक जीवन में पीएच के क्या महत्व है, तो उसमें दो महत्व मैंने आपको बताए थे, एक तो चीटी या नेत्र का डंक और दूसरा क्या बताया आपको, पेट की अम्लता, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, शेष जो पीएच के महत्व है वो हम नेक्स्ट आपके लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।